एरिक से स्टॉप। नो हन, क्या देख रहा है ये? जो तेरे पास है नीचे पहनी है एक और कलर में ना? हाँ ब्राउन में भी है ना? हाँ दो कलर में। हाँ 500 में दो ना। एक मेरे को चाहिए, नहीं काला वाला मेरे रखना है। ओ नहीं, मैं ये मुझे सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स, 1 2 3 I'm Simran Chaudhary and welcome or welcome back to my channel. So I am back with another haul video and it's going to be Meesho night dress haul under 550 rupees. So mere paas 5-6 products hai to main ek karke dikhane wali hu. So without any further ado, let's get started. तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ये फ्लोरल प्रिंटेड शॉर्ट्स एंड ये मुझे 209 रुपीज में मिले हैं पैक ऑफ 2 एंड ये प्रिंटेड शॉर्ट्स है, काफी अच्छी क्वालिटी आई तो है मुझे, बट मुझे लग रहा है इसमें रुंदी निकल जाएगी। लाइट वेट शॉर्ट्स है एंड फोटो कुछ डिफरेंट था, थोड़ा सा मुझे डिफरेंट मिला है, फोटो में थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा था आई गेस एंड इसके कंपेरिजन में ये ठीक ठाक है। 209 रुपीज में मुझे 2 सेट मिले हैं एंड मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है क्योंकि और भी ऐसे सेलर्स हैं जो काफी कम प्राइसेस में बेच रहे हैं, बट इसके रिव्यूज काफी अच्छे थे तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि इनको ट्राई करके देखते हैं। एंड मुझे इसमें लग रहा है कि रुंदी जरूर निकलेगी इसमें एंड ये जो प्रिंटिंग है फ्लोरल प्रिंटिंग है, ये मेरे को पिंक कलर का मिला है, ये मुझे येलो कलर का मिला है एंड इसमें ब्लैक एंड रेड कलर का प्रिंटिंग है एंड इसमें ब्लैक कलर का लीफ एंड फ्लावर प्रिंटिंग है विच इज नाइस एंड ये नी लेंथ से ऊपर तक है शॉर्ट्स एंड दिस इज स्ट्रेचेबल, बोथ ऑफ देम आर स्ट्रेचेबल। सो इसका फैब्रिक पॉलीकॉटन है एंड ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक है बिकॉज 24 ही साइज लास्ट अवेलेबल है, बाकी सारे साइज आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, तो मतलब ये ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक ठाक है 209 रुपीज में, तो मैं इसे 9/10 दूंगी बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये रुंद निकलने वाला है एंड मुझे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है एंड इसे भी मैं जरूर रिकमेंड करूंगी। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये शर्ट एंड ये छोटू सा शॉर्ट एंड ये मुझे 353 रुपीज में पड़ा है, एक्सेप्ट स्मॉल साइज ये सारे ही साइजेस में अवेलेबल है, सिर्फ स्मॉल साइज आउट ऑफ स्टॉक है एंड इसका जो फैब्रिक है वो सिल्क ब्लेंड है, काफी ज्यादा स्मूथ है, इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है, मुझे ये वाला कलर पसंद आया था तो मैंने ये ऑर्डर किया, आप और कलर भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये है शर्ट एंड काफी स्मूथ है, काफी अच्छी स्टिचिंग लग रही है मुझे, बहुत ही सॉफ्ट है एंड ये मैंने मीडियम साइज में मंगाया है बिकॉज मैंने बता दिया आपको कि स्मॉल साइज अवेलेबल नहीं था, तो ये मैंने मीडियम में मंगाया है एंड ये है उसका शॉर्ट्स, ये नी लेंथ से ऊपर तक का आ जाएगा, नी लेंथ से छोटा शॉर्ट्स है ये एंड ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लग रहा है मुझे, स्ट्रेचेबल है एंड लेट मी चेक इसमें पॉकेट्स है क्या, नहीं। ओके सो एक ही साइड सिर्फ एक पॉकेट दिया है जो यहाँ पे है, बाकी कोई पॉकेट्स नहीं है एंड इसमें भी प्रिंटिंग सेम है, इसमें जो प्रिंटिंग है वो एक बर्ड की प्रिंटिंग है एंड दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको 10/10 दूंगी एंड इसे जरूर रिकमेंड करूंगी। नेक्स्ट नाइट सूट है वो ये है मल्टी कलर का नाइट सूट, ये है उसका शर्ट एंड ये इसका मैंने पेंट है, फुल लेंथ पेंट है, तो ये मुझे 318 रुपीज में बड़ा है, मैंने मीडियम साइज में मंगाया है, ये आपको स्मॉल साइज में अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे साइज में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसका जो फैब्रिक है वो सेटिन है एंड ये पूरा ही प्रिंटेड शर्ट है, इसमें अलग अलग कलर के लेमन के प्रिंटिंग है, इसमें ब्लू पिंक येलो एंड लाइट पिंक व्हाइट एंड इतने ही कलर्स हैं, बट दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही हल्का है, बहुत ही सॉफ्ट है एंड यहाँ पे इन्होंने हर जगह पे बटन्स देखे रखे हैं, बटन्स भी काफी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, बहुत लाइट वेट है बट क्वालिटी से बहुत अच्छी लग रही है एंड उसके बाद है ये पैंट, ये काफी ज्यादा पतला पैंट है, थोड़ा सा सी थ्रू मुझे लग रहा है एंड लेट मी जस्ट चेक इसमें पॉकेट्स है कि नहीं है। ओके सो इसमें एक भी पॉकेट नहीं दिए हैं विच इज नॉट अ गुड साइन, बट ठीक है ये फुल लेंथ पैंट है एंड 318 रुपीज में मुझे अच्छी क्वालिटी मिल रही है, स्ट्रेचेबल पैंट है, काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है, तो मैं इसे 9/10 दूंगी बिकॉज पॉकेट्स नहीं है इसमें एंड मैं इसे जरूर रिकमेंड करूंगी। लास्ट प्रोडक्ट है वो एक कोई सिंगल ड्रेस नहीं है बल्कि कॉम्बो था, यानी एक प्राइस में दो कपड़े मिलते हैं, तो मैंने 528 रुपीज पे किया है एंड उसमें मुझे दो नाइट सूट्स मिले हैं। जो सबसे पहला नाइट सूट है वो ये है ब्लैक कलर का नाइट सूट एंड इसका जो फैब्रिक है वो सेटिन है, ये आपको फ्री साइज या फिर डबल एक्सएल में मिलेगा, बट डबल एक्सएल अभी अवेलेबल नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो आपको फ्री साइज में मंगाना पड़ेगा। ये है ऊपर का शर्ट एंड ये मुझे ठीक ठाक तो लग रही थी बट मैंने जैसे ही ध्यान से देखा तो इसमें बहुत सारे दाग है, लाइक इफ यू सी ये बहुत सारे दाग आए हैं, लाइक स्टिचिंग काफी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी लग रही है एंड ये बहुत ही लाइट वेटेड है, बट मैं अगर ड्रेस देख रही हूँ तो हर जगह मुझे दाग दिख रही है, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग विथ मी, लाइक मेरे एक्सपेक्टेशंस थे कि मुझे अच्छे मिलेंगे बट
आई डोंट नो, मैं इसे रिटर्न करने का सोच रही हूँ या फिर एक्सचेंज करके देखूंगी कि एक्सचेंज में मुझे कैसा मिलता है. एंड ये है इसका पैंट, ये फुल लेंथ पैंट है. एंड आई डोंट नो व्हाई इसमें भी पॉकेट्स नहीं है. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डोंट गिव पॉकेट्स, विद पॉकेट्स होने चाहिए. एंड इन्होंने पेंट में भी दाग देके रखे हैं, जैसे कि मैं इसमें दिखा दूं. तो ये वाले ड्रेस को तो मैं रेट ही नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज ये इससे मेरे एक्सपेक्टेशंस थे, बट बहुत ही खराब आया है मुझे तो. जो सेकेंड ड्रेस है वो ये है, ब्लैक कलर का पीकॉक फेदर प्रिंटेड नाइट ड्रेस. एंड ये ऊपर का शर्ट है इसका, एंड ये पेंट है. तो मैं पहले शर्ट दिखा देती हूँ. इसमें मैंने पूरा ही चेक कर लिया, कहीं पे मुझे कोई भी दाग या डैमेज बिल्कुल नहीं लग रहा. स्टिचिंग काफी अच्छी है. एंड ये भी साइज तो सेम ही है इसका भी, मतलब फ्री साइज में मंगाया है मैंने. एंड ये भी काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है, सेटिन का है, स्टिचिंग काफी अच्छी है. एंड मैं अब इसका आपको पैंट दिखा देती हूँ. तो ये भी है पैंट, इसका फुल लेंथ पैंट है. एंड अगेन इसमें भी इन्होंने पॉकेट्स नहीं दिए हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अस पॉकेट. ये भी मुझे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लग रहा है, लाइक काफी पतला मटेरियल है. एंड ये ट्रांसपेरेंट जरूर रहेगा थोड़ा सा. तो ये भी स्ट्रेचेबल है, तो इससे मैं रेट करना चाहूंगी. मैं इससे 8/10 दूंगी. एंड उसे तो मैं रेट ही नहीं करना चाहूंगी, तो बट स्टिल मैं आपको इस प्रोडक्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिकॉज मैंने रिव्यूज देखे थे एंड बाकियों को तो एटलीस्ट अच्छे मिले थे. आई डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं मिला. सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो. एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम. एंड अगर आपने पहले के वीडियोज नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए. एंड प्लीज बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियोस डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए. एंड सारे प्रोडक्ट्स के मैं लिंक एंड कोड प्रोवाइड कर दूंगी, तो डू चेक आउट. एंड आज के लिए बस इतना ही. बाय बाय गाइस, आई लव यू सारंगे.